गायनोकोमास्टिया मर्दों को होने वाला सबसे प्राइम प्रॉब्लम। इंडिया में 99% ऑफ द मेल सफर फ्रॉम गायनोकोमास्टिया एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। जब गूगल करोगे यू विल ओनली फाइंड दैट यू आर सपोज टू अंडरगो अ सर्जरी विच इज वेरी एक्सपेंसिव। दो हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो बनाया था गायनोकोमास्टिया के बारे में, व्हाट आई डिड, व्हाट प्रोटोकॉल्स आई फॉलोड टू लूज माई मैन बोब। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू वो वीडियो देख लो, इधर लिंक डाल रहा हूँ, डू वॉच द कम्प्लीट वीडियो देन कम बैक टू दिस वीडियो, बिकॉज अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। प्रीवियस वीडियो आई मेंशन आई विल बी डूइंग 3 videos, थिंग न्यूट्रिशन, सेकेंड थिंग वर्कआउट, थर्ड थिंग हाउ टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन, राइट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं what workout did I follow, what workout you are supposed to follow to lose man boobs. जैसे मैंने बोला था last video में, I told based on your response decide whether I'll go with nutrition first, workout first or boosting testosterone first. According to the response, बहुत लोगों को workout कैसे करना है करके जानना था। To follow these workouts, definitely you will lose your man boobs. First thing I'll let you know what people do wrong so that आपको समझ में आए अगर आप right track में हो या wrong track में। Whenever you feel like you have gynecomastia or you ask any trainers, they'll ask you to train your chest. Yes. चेस्ट ट्रेन करना सही है, लेकिन हाउ टू ट्रेन इट इज द क्वेश्चन। हाउ टू ट्रेन इट इज द क्वेश्चन। बहुत लोग, अगर आपको गायनेकोमास्टिया है और मैन बूब्स है तो आप क्या करते हो, लोअर चेस्ट को ट्रेन करते हो बेसिकली, बिकॉज जो ग्लैंड है वो इधर लोकेटेड रहता है लोअर चेस्ट में, सो आप लोग लोअर चेस्ट ही ट्रेन करोगे, राइट। एनीवन कॉमन सेंस बोलेंगे कि लोअर चेस्ट ट्रेन करो, बट दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको अपनी लोअर चेस्ट बिल्कुल ट्रेन नहीं करना है, बिल्कुल ट्रेन नहीं करना है। आई टेल यू व्हाई। गायनेकोमास्टिया कंसीडर कर लो, ये आपकी ग्लैंड है इधर, एंड जिधर आपकी ग्लैंड है उसके पीछे रहेगा आपकी फैट। अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, अगर बॉडी फैट परसेंटेज कम है, बस ग्लैंड है तो उसके पीछे रहेगा मसल, वॉट एवर इट इज। नाउ वेन यू ट्रेन योर लोअर चेस्ट, आपकी लोअर चेस्ट ट्रेन करोगे, डिक्लाइन फ्लाइज जो भी एक्सरसाइज करोगे, तो क्या होगा, यू आर बिल्डिंग मसल, राइट। जब भी ट्रेन करोगे आपकी मसल बिल्ड होगा, दैट इज लोअर चेस्ट मसल। अभी वेन योर मसल ग्रोस, राइट, अगर ऐसे खड़ा रहो एंड जस्ट इमेजिन पैंट की पीछे है फैट एंड मसल, ओके। जब आप लोअर चेस्ट मसल ग्रो करोगे तो वो मसल आपकी ग्लैंड को आगे धक्का मारेगा, राइट। तो वॉट विल हैपन, योर ग्लैंड विल प्रोट्रूड मोर, राइट, protrude out more, which will in turn make your chest look worse, क्योंकि आपकी gland और बाहर आ रहा है और आपकी chest fat या जो man boobs है वो बहुत नज़र आएगा, right? Even with t-shirt on, if you're pushing it out, अगर आपकी nipples pop हो रहा है तो make your chest look very bad. तो आपको actually करना क्या है, आपकी gland इधर है and ये आगे है, तो आप क्या करोगे तो आपकी चेस्ट अच्छा लगेगा। What you are supposed to do so that your chest looks better, listen to this carefully. I'll show you a demo. आप ऐसे खड़ा रहना and imagine you have a gland here lower, okay? तो ये पार्ट आगे है, right? Your lower part, lower chest is in the front, क्योंकि आपकी निप्पल या ग्लैंड इधर है। If you build your upper chest, अगर आप अपर चेस्ट को ग्रो करोगे तो क्या होगा, ये आगे आ जाएगा and this will go down, right? जस्ट इमेजिन आप ऐसे खड़े हो एंड इधर आपकी ग्लैंड है और आपके अपर चेस्ट को ग्रो कर रहे हो, ये पार्ट बेसिकली जो ये पार्ट है अपर चेस्ट। व्हाट हैपेंस, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है वेयर योर चेस्ट इज लुकिंग बेटर, यस, आपके चेस्ट में अच्छा शेप आ जाएगा, क्योंकि आप अपर चेस्ट ग्रो करोगे तो अपर चेस्ट बाहर आ जाएगा एंड लोअर चेस्ट नीचे चले जाएगा, विच विल मेक योर चेस्ट लुक वे बेटर। आपकी प्राइम फोकस रहना चाहिए कि आप अपनी चेस्ट वर्कआउट में ओनली एंड ओनली अपर चेस्ट ट्रेन करें, विच विल हेल्प यू रिड्यूस योर गायनेकोमास्टिया और मैन बूब्स। आई विल गिव यू 3 exercises, ओके, 3 exercises जो आपको रेगुलरली फॉलो करना है। एक्सरसाइज नंबर 1, इंक्लाइन फ्लाइज। इंक्लाइन फ्लाइज में आपको आपकी बेंच को 45 टू 60 डिग्री एंगल में रखना है, राइट, 45 टू 60 डिग्री एंगल एंड यू हैव टू परफॉर्म फ्लाइज। ध्यान रखो, वेट पे ध्यान मत दो, कॉन्सेंट्रेट ऑन माइंड मसल कनेक्शन। जब ये आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आपकी मसल को, यू आर सपोज टू फील इट हियर, दैट इज कॉल्ड माइंड मसल कनेक्शन। सेकेंड एक्सरसाइज विच आई रेकमेंड इज केबल लो टू हाई फ्लाइज। यस, जब आप केबल लो टू हाई फ्लाइज करोगे आपकी अपर चेस्ट स्टिमुलेट होगा, यस, इट विल
प्राइमरली टारगेट योर अपर चेस्ट. फॉर एग्जाम्पल आप अपनी पुली इधर है, केबल इधर है, यू जस्ट हैव टू पुल इट दिस वे, राइट. दोनों हाथ साथ में आपको पुल करना है सो दैट बोथ योर अपर चेस्ट इज एंगेज. थर्ड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं, पैरेलल बार डिप्स. जब आप पैरेलल बार डिप्स कर रहे हो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको आगे टिल्ट होना है. यस, आपको थोड़ा सा आगे रहना है ना कि स्ट्रेट. इफ यू आर स्ट्रेट आप पूरा ट्राइसेप्स पे ध्यान दोगे या ट्राइसेप्स में इफेक्ट पड़ेगा. यू नीड टू बी इन द फ्रंट लाइक दिस ताकि आपकी चेस्ट एंगेज हो एंड यू आर गोइंग डाउन. जैसे आप ये करोगे इवन हियर यू विल बी टारगेटिंग योर अपर चेस्ट. पैरेलल बार डिप्स करने में दिक्कत हो रहा है, यू कैन सब्स्टिट्यूट इट विद डायमंड पुशअप्स, राइट. डायमंड पुशअप्स अगेन सिंपल सा है, फ्लोर में जाना है एंड यू हैव टू प्रेस. बेसिकली तीन एक्सरसाइजेस, इंक्लाइन फ्लाइज, सेकेंड वन योर लो टू हाई केबल फ्लाइज, थर्ड पैरेलल बार डिप्स और डायमंड पुशअप्स. ये तीन एक्सरसाइज को मास्टर कर लो, यू विल डेफिनेटली लूज योर मैन बूब्स. नाउ कितना सेट मारना है, कितना रेप्स मारना है, मेक श्योर हर हफ्ते में आपको ये तीनों एक्सरसाइज का 24 सेट्स करना है. 24 सेट्स डिवाइडेड बाय 3 विल कम अप टू 8 सेट्स पर सेशन. तो आपको हफ्ते में तीन बार ट्रेन करना है और हर एक्सरसाइज को 8 सेट्स करना है एवरी सेशन. को बोलते हैं हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग. यस, आपको हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करना पड़ेगा 24 सेट्स ऑफ ईच एक्सरसाइज. तीनों एक्सरसाइज का 24 सेट्स इन अ वीक. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बता दो. नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा डाइट के बारे में. यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर वीडियो पसंद आया, अगर आपको जो भी मैंने बोला उसमें लॉजिक लगा, गिव इट अ थम्स अप. बहुत सारा प्यार, मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन प्लीज स्टे ट्यून्ड.